जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, एक मजदूर का बेटा जिसके पिता रेलवे कर्मचारी थे, काफ़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते थे। उन्होंने जाड़ा जैसी वर्ल्ड क्लास ब्रांड को खड़ा करके रख दिया। उस बंदे ने एक टाइम में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया था। आज जाड़ा कितनी बड़ी वर्ल्ड क्लास ब्रांड है हम लोग देख ही रहे हैं। तो आज मैं जाड़ा के ही बारे में बताने वाली हूँ। ये स्टोरी उन सब लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे करूँ कैसे नहीं, और डरने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जाड़ा के फाउंडर एमेंसियो ओर्टेगा गांव का जन्म स्पेन के एक छोटी सी जगह में हुआ था, जहां पर मुश्किल से 100 लोग रहते थे। ओर्टेगा अपने चार भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक रेलवे कर्मचारी थे। पिता के काम के कारण उनका पूरा परिवार ला कोर्ना में शिफ्ट हो गया, और यहाँ वे लोग एक रेलवे कर्मचारी के बहुत खराब और गंदे क्वार्टर में रहते थे। वे लोग काफी ही ज्यादा गरीबी की हालत से गुजर रहे थे। उनके पिता की कम सैलरी होने के कारण से उनकी माँ दूसरों के घर जाकर काम किया करती थी, और अगर कभी पैसा नहीं जुट पाता तो उनकी माँ आसपास से उधार भी ले लिया करती थी। एक दिन उनकी माँ एक दुकानदार से उधार मांग रही थी, लेकिन उस दुकानदार ने उनकी माँ की बेइज्जती करके दुकान से निकाल दिया। और जब ये बात ओर्टेगा को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया, और उन्होंने ये ठान लिया कि जब तक वो पैसों की कमी दूर नहीं कर देते वो रुकने वाले नहीं है। और इसी के बाद उन्होंने अपना स्कूल भी छोड़ दिया और गाला नाम की एक टी शर्ट कंपनी में काम करने लगे। शुरू शुरू में ओर्टेगा वहाँ डिलीवरी बॉय का काम करते थे, वहाँ से शर्ट लेकर घर घर पहुँचाते थे। यहाँ पर काम करते हुए ओर्टेगा ने अपने हाथों से कपड़े भी सिलना शुरू कर दिया, और तो और वो दुकान में आने वाले कस्टमर को भी संभालने लगे। ओर्टेगा के परिश्रम और बुद्धिमत्ता की वजह से ओर्टेगा कुछ दिनों में ही उस दुकान के सीनियर मैनेजर बन गए। जब कभी भी ओर्टेगा फ्री होते थे वो अपने बहन के यहाँ दुकानदार द्वारा छोड़ दिए गए कपड़ों से नई नई डिजाइन के कपड़े बनाते थे, और उन कपड़ों को किसी दुकान में सस्ते दाम पर बेच दिया करते थे। धीरे धीरे मार्केट में उनकी बनाई कपड़ों की डिमांड बढ़ने लगी, और तब आसपास की महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने एक समूह का गठन किया, और बेरोजगार महिलाओं को काफी अच्छा माहौल मिल गया था काम करने के लिए, और बाजार से भी उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। धीरे धीरे ओर्टेगा को अब इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस हो चुका था। तब ओर्टेगा ने कॉन्फ्यूशन गांव नाम से $25 की पूंजी लगाकर अपना पहला फैमिली बिजनेस शुरू किया, जिसमें कि उनके भाई एंटोनियो, उनकी बहन जोशिफा और इनके अलावा रोशालिया मीरा ने इनके बिजनेस में अपना साथ दिया। बाद में रोशालिया मीरा से ही ओर्टेगा ने 1966 में शादी कर ली। रोशेलिया ने भी ओर्टेगा की तरह 11 साल की उम्र से सिलाई करना शुरू कर दिया था। अब कॉन्फ्यूशन गोए की मार्केटिंग अच्छी चलने के बाद ओर्टेगा को लगा कि उनका खुद का कोई ब्रांड नहीं है। लगभग 11-12 साल की एक्सपीरियंस के बाद ओर्टेगा ने 1975 में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला, जिसका नाम जोबड़ा रखा गया। जोबड़ा ओर्टेगा और उनकी पत्नी का फेवरेट मूवी का नाम था, लेकिन उनको पता चला कि पास में जोबड़ा नाम के ही एक शोरूम भी है, और क्योंकि आगे चलकर नाम को लेकर कोई दिक्कत ना हो तो उन्होंने जोबड़ा का नाम बदल कर जाड़ा कर दिया। धीरे धीरे जाड़ा ब्रांड के कपड़े लोगों को पसंद आने लगे। 1983 तक उनके ब्रांड पूरे स्पेन में फैल गए थे, और उनको काफी लोकप्रियता भी मिल रही थी, और वे सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। 1988 में जाड़ा अपने ब्रांड को वर्ल्ड में लाने के लिए इंडिटेक्स ग्रुप का गठन किया, और यहीं से जाड़ा की मार्केटिंग वर्ल्ड में शुरुआत हुई। उन्होंने ओर्चकुल में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला। इसके बाद और भी जगह उन्होंने अपने रिटेल स्टोर खोले। फिर उन्होंने 1991 में पुल एंड बियर, मैशमियो डिटी, बेर्शका, और 2004 में ओशो एंड जाड़ा होम को लॉन्च किया। ओर्टेगा काफी शर्मीले स्वभाव के थे, उनको अपना प्रचार करना बिल्कुल नहीं पसंद था। यहाँ तक कि 1999 तक वो मीडिया इंटरनेट से काफी दूर थे, लेकिन 2000 में जब उनकी कंपनी का पब्लिक इशू बाजार में आया तभी ओर्टेगा मीडिया के सामने आ गए और 3 इंटरव्यू भी दिए। ओर्टेगा उस टाइम के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स को 10 सितंबर 2016 में 2-3 दिन के लिए पीछे छोड़ दिया था, और वे वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। 1986 में ओर्टेगा ने अपनी पहली पत्नी और बिजनेस पार्टनर रोशालिया मीरा को डिवोर्स दे दिया,
जिनसे उन्हें दो बच्चे थे और बाद में ओर्टेगा ने फ्लोरा प्रिजा से शादी कर ली थी। अगर ओर्टेगा और उनकी पहली पत्नी की पूरी संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो उस टाइम वे बिल गेट्स से हमेशा के लिए आगे निकल गए होते। जारा की सफलता का दो मुख्य राज है, फर्स्ट कि कस्टमर की जो भी डिमांड हो वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए और हर साल वो करीब 12,000 डिजाइंस निकालते थे, और सेकंड कि जारा अपनी सबसे बिकने वाली डिजाइंस को दोबारा नहीं बेचते थे और ज्यादातर डिजाइंस को वो लिमिटेड स्टॉक में रखते थे, और हर डिजाइंस लिमिटेड होने के कारण से स्टोर पर दोबारा नहीं मिलने की संभावना के चलते कस्टमर्स अपनी पसंदीदा डिजाइंस को बिना देरी किए खरीद लेते थे। आपको जारा की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।